अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मुस्लिम स्टाइल चिकन बिरयानी। बिरयानी के बहुत सारे वेरिएंट है, बट ये मेरे घर की रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये बिरयानी पसंद आएगी। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 1 किलो चिकन विद बोन मतलब हड्डियों के साथ लिया है, तो विनेगर और पानी से अच्छे से धो लीजिएगा। 4 ऑनियन को स्लाइस कर लेंगे, 6 टमाटर लेके इनको चॉप्ड कर लेंगे, 250 ग्राम दही लिया है, खट्टा मीठा ना रहे ताज़ा दही लेंगे, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली पेस्ट 3 टेबलस्पून लेंगे, हो सके तो फ्रेश लीजिएगा, 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, यहाँ हमने शान का गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है, और थोड़े खड़े मसाले ले लेंगे। अब एक पैन या कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून घी गरम कर लेंगे। इसमें खड़े मसाले डाल के फ्रेग्रेंस रिलीज़ होने देंगे। अब ऑनियन डाल के लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस प्रोसेस को 5 से 6 मिनट लगेंगे। अब हमारा ऑनियन जैसा चाहिए था हो गया है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे और भून लेंगे अच्छी तरीके से। कच्चा पन नहीं लगेगा धनिया पाउडर का चिकन ग्रेवी में। तो दही, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट फ्रेश लीजिएगा। जितना हमारे इंग्रेडिएंट फ्रेश होंगे उतना बिरयानी का टेस्ट निखर के आता है। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो बनाते बनाते आप लोग खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। टमाटर चॉप्ड किए हुए डाल लेंगे, साथ ही हल्दी पाउडर, सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने क्या किया है, 1 टेबलस्पून तीखी रेड चिल्ली पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर दोनों को मिक्स करके ऐड किया है। अब इसे हम मसाले को भूनेंगे इतना, और मैश करते करते भूनेंगे कि पाउडर मसाले और ऑनियन टमाटर सब एक जान हो जाए। देखिए हमने इतना भुना है, अब मसालों ने तेल छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे हम अपने चिकन और दही साथ ऐड कर लेंगे। इन सब को भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि दही चिकन अपना अपना पानी रिलीज़ करेंगे। यहाँ हम चिकन को कवर करके कुक नहीं करेंगे और ना ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सेमी ड्राई ग्रेवी चाहिए चिकन बिरयानी के लिए। बिरयानी भी तभी आपकी अच्छी और खिली खिली बनेगी जब आप चिकन और राइस अलग अलग पकाएंगे। चिकन भुनते भुनते 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद करके कवर कर देंगे। अब यहाँ मैंने बिरयानी के लिए राइस लिया है 1 kg। आधे घंटे के लिए भिगो के रख लेंगे इसे। अगर पॉसिबल हो तो टॉप क्वालिटी का बासमती राइस लीजिएगा। बनाने के लिए एक मोटे तले का टोप लेंगे और थोड़ा बड़ा लेंगे, जिससे 30% उसमें जगह बचे रहे स्टीम डेवलप होने के लिए। अब यहाँ मैंने क्या किया है, 2 से 3 लीटर पानी लिया है। उसमें 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 1 स्टार, 1 जावित्री, 2 टेबलस्पून जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 से 4 हरी इलायची, सॉल्ट 2 से 3 टेबलस्पून डाल के कवर करके पानी का कलर चेंज होने तक या फिर एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। अब यहाँ हमारा पानी का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम वाइट विनेगर ऐड करेंगे। वाइट विनेगर के जगह पे आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ अपने भीगे हुए चावल डाल लेंगे। मैंने यहाँ चावलों को 40 से 45 मिनट्स भिगो के रखे थे। 1 टेबलस्पून ऑयल हम चावलों के पानी में डाल लेंगे। इससे हमारे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, अलग अलग खिले खिले बनेंगे। हमें अपने चावल बीच बीच में चेक करते रहना है और 70% ही इसे हमें पका लेना है। अब यहाँ हमारे चावल 70% पक चुके हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, हाफ निकाल लेंगे और हाफ हम ड्रेन कर लेंगे। अब यहाँ मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ। आप लोग को जो कलर पसंद है बिरयानी के लिए वो डाल लें। इसे हल्का मिक्स करेंगे। अब यहाँ आता है एक टिप, और थोड़ा सा राइस पे 1 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे। इससे ये होगा राइस आपस में चिपकेंगे नहीं। बॉल पे रखे हुए राइस पे भी हम तेल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और टोप में भी जो राइस है उसमें भी 1 टेबलस्पून तेल डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमारी चिकन ग्रेवी ने रेस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेंगे। ब्राउन ऑनियन, थोड़े से कोथमीर और हरी मिर्च को स्लिट करके गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे।
अब इसे हम टोप में डाल लेंगे राइस के ऊपर। सेकेंड लेयर राइस का डाल के ब्राउन ऑनियन, कोथमीर और हरी मिर्च से हम गार्निश करेंगे। अब इसके बाद हम केवड़ा वाटर डालेंगे। केवड़ा वाटर डालने से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी में। केवड़ा वाटर डालना है यहाँ हमें केवड़ा एसेंस नहीं, दोनों में फ़र्क होता है। केवड़ा एसेंस ज़्यादातर डेजर्ट या मीठे में पड़ता है। लास्ट में हम 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी ऊपर से ऐड करेंगे, इससे मॉइस्चर बना रहता है। यहाँ हमने फॉइल से कवर करके दम पे रखा है बिरयानी को। आप चाहे तो टॉवल या फिर आटे से भी सील कर सकते हो। बिरयानी को कवर करके इस पे भारी कोई चीज़ रख देंगे। मेरे पास एक ये स्टोन है जो काफ़ी भारी है, मैं ये रख लूँगी और इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 25 से 30 मिनट के बाद हम अपनी बिरयानी ओपन करेंगे और ये देखिए हमारी चिकन बिरयानी बनके रेडी है। हम बिरयानी को हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे, इससे अपनी बिरयानी के चावल टूटेंगे नहीं। आप यही टिप्स एंड ट्रिक्स मटन बिरयानी या कोई भी राइस बनाने के या वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए बिरयानी के राइस कितने खिले खिले हैं और आपस में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। मैंने यहाँ अपने घर की बिरयानी बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर लिया है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ये रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।